सत श्रीकाल जी, निरपक्ष पोस्ट वेख रहे हो तुसीं। मैं हाँ नीरज कुमार। जिथे केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब सरकार दे उत्ते लगातार प्रीपेड मीटर लगाउण दा दबाव बनाया जा रहा सी, ते हाल ही दे विच पंजाब दे जो बिजली मंत्री सी हरभजन सिंह ईटीओ, उन्हां दे वल्लों एक बयान भी दिता गया सी, जिस दे विच उन्हां ने कहा सीगा कि पंजाब दे विच प्रीपेड मीटर नहीं सगो स्मार्ट मीटर लगाए जाणगे। ते हुण तुहानूं दस दईए कि एक होर केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब नूं तगड़ा झटका जो है वह दे दिता गया। दस दिए कि केंद्र दे विशेष पूल दे विचों ती जो पंजाब नूं बिजली मिलदी सी वह हुण नहीं मिलेगी। पंजाब दे हिस्से दी जो बिजली होवेगी वह हरियाणा नूं अलाट कर दिती गई है। तां सीधे शब्दां दे विच कहा जा सकदा है कि केंद्र सरकार ने पंजाब नूं एक होर वड्डा झटका दिता है, जिथे लगातार केंद्र सरकार दे वल्लों कहा जा रहा सी कि जेकर पंजाब सरकार पंजाब दे विच प्रीपेड मीटर नहीं लगाउंदी तां आउण वाले दिनां दे विच जो केंद्र दे बिजली सुधार फंड ने ओह पंजाब नूं नहीं दित्ते जाणगीआं दीआं चेतावनियां दित्तियां जा रहीआं सन। तां उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि हुण पंजाब नूं विशेष पूल दे विचों ती बिजली जो है वह नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने बिजली दी वंड नूं लैके पंजाब नूं इक होर नवां झटका दे दित्ता है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने केंद्र दे अनएलोकेटिड पूल चो पंजाब नूं दित्ती जाण वाली बिजली सप्लाई हरियाणा नूं दे दित्ती है। पंजाब ने बहुत समा पहला इस पूल चो बिजली दी मंग रखी सी, परंतु केंद्र ने इनकार कर दिता सी। हरियाणा ने 24 मार्च मगरों इस पूल चो बिजली दी मंग कीती सी अते उसनू 728 मैगावाट बिजली सप्लाई देण दे हत्थों हत्थ हुक्म भी जारी कर दिते गए। केंद्रीय बिजली मंत्रालय की यह वंड नीति पूरी तरह पंजाब नूं ढा लाउण वाली जापदी है। दसणयोग है कि बहुत सारे सूबिया च अपने हिस्से की बिजली छड़ दिंदे हन अते जिन्हां दी बिजली अनएलोकेटिड पूल चों इकट्ठी हो जाती है। गर्मी के सीजन च बहुत सारे सूबे इस पूल चों बिजली की मंग करते हैं अते बिजली मंत्रालय हर वरे यह सूबिया च वंड दिंदा है। ऐतकी कोला संकट काफ़ी डूंगा हो गया, जिस करके पंजाब ने नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी कोल काफ़ी समा पहला 750 मैगावाट बिजली लेने की दरखास्त भेजी सी। ऐतकी अनएलोकेटिड पूल चों 1522 मैगावाट बिजली उपलब्ध है। इस पावर कमेटी ने 24 मार्च को पत्र जारी करके अनएलोकेटिड पूल चो पंजाब लई 600 मैगावाट तो ज़्यादा बिजली देने की सिफारिश की सी। पावर कमेटी ने इस पूल च उपलब्ध बिजली चो पंजाब नू 40%, उत्तराखंड नू 10, जम्मू कश्मीर ते लद्दाख नू 36 अते चंडीगढ़ नू 14% बिजली देने की सिफारिश केंद्रीय बिजली मंत्रालय को भेजी सी। पावर कमेटी ने इस पत्र च स्पष्ट लिखा है कि हरियाणा ने इस पूल चो बिजली लैण की हाले तक कोई मंग नहीं की, जिस तो लगता है कि हरियाणा नू इस पूल चो बिजली की कोई लोड़ नहीं है। पंजाब सरकार उदों हक्की बक्की रह गई जदों केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी की सिफारिश के उल्ट 28 मार्च को केंद्रीय बिजली अथॉरिटी को पत्र भेज के हरियाणा को 1 अप्रैल तो 31 अक्तूबर तक 728 मैगावाट बिजली सप्लाई देने दे हुक्म जारी कर दिते। पावर कमेटी ने पंजाब को 40% बिजली देने की सिफारिश की सी, जिसनों रद्द कर दिता गया। तो सीधे शब्दों के कहा जा सकता है कि केंद्र ने हुण पंजाब नूं ढा लाउण दा सीधे जिस तरीके के हालात लग रहे हैं उस तो लगता है कि केंद्र ने हुण पंजाब नूं ढा लाउण दे लई जो है वह सहुं चुक ली है। जिस तरीके दे नाल पंजाब दे उत्ते दबाव पाया जा रहा है, हालांकि बीते दिन एक वड्डी राहत जो है वह केंद्र दे वल्लों किसानां नूं जरूर दिती गई सी, जो CCL सीगी वह जारी कर दिती गई सी कणक दे सीजन नूं लैके, तां जो पंजाब सरकार नूं कोई भी औखाई ना होवे कणक दी खरीद करन दे विच। हालांकि उस समय CM भगवंत मान दा वड्डा बयान यह आया सीगा, उन्होंने धन्नवाद कीता सी केंद्र सरकार दा तां जो CCL दी लिमिट जो है वह जारी कर दिती, परंतु हुण किते ना किते कहा जा सकदा है कि जिस तरीके दे नाल पंजाब दे जो हिस्से दी बिजली सी वह हरियाणा नूं अलाट कर देना किते ना किते अपने आप दे विच केंद्र दी कारगुजारी दे उत्ते ते केंद्र दे पंजाब दे प्रति नज़रिए दे उत्ते सवाल जो है वह जरूर खड़े करदा है। हुण देखना होगा कि पंजाब सरकार इस सब नूं किवें देखदी है ते अगे की कदम जो है वह पंजाब सरकार दे वल्लों चुक्या जांदा है।